हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज टुडेज़ वीडियो इज अबाउट एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टाइप ऑफ कंटेंट व्हिच आई लाइक टू पोस्ट इन माय यूट्यूब चैनल, सो दैट्स व्हाई। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियो है, सो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा आउटफिट क्रिएट करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, बीच में मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएंगी आपसे। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वॉच आउट द वीडियो। सो जस्ट रिसेंटली दिसंबर के टाइम पर मेरी दीदी की शादी थी, मेरी रियल सिस्टर की शादी हुई है। सो उस टाइम पर मैंने ये वाला आउटफिट क्रिएट किया था, ये वाला आउटफिट बनवाया। सो इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस अपलोड किए हैं और उस टाइम पर भी मैंने बहुत सुंदर सुंदर आउटफिट बनाए थे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हो, मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगी या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उस टाइम मैंने बनवाया था वेलवेट का सूट, सिक्वेंस का लहंगा और भी एक बहुत सुंदर सा ड्रेस था। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो वाले वीडियोज़ भी देख लीजिएगा। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो लहंगा बनाने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लहंगा है। अगर आप उसको रेडीमेड लेने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलेगा, बिकॉज मैंने अपना लहंगा जो है वो सब्यसाची के वेलवेट लहंगे से इंस्पायर होकर बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि सब्यसाची का लहंगा का कॉस्ट कितना ज्यादा होता है और मैंने काफी ज्यादा अफोर्डेबल बजट में इस लहंगे को बनवाया है। सो वन बाय वन मैं इस लहंगे की सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो इस वीडियो का आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यूसली देखते रहिएगा, क्योंकि अगर आप बीच का पार्ट जो है वो मिस कर दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इस चीज को समझना कि इस लहंगे को कम्प्लीट मैंने किस तरह से बनाया है। सो क्योंकि ये मेरी रियल सिस्टर की शादी थी तो इसीलिए मैंने अपने आउटफिट को बनाने में काफी ज्यादा दिमाग लगाया, मतलब बहुत ही ज्यादा सोचा मैंने इस आउटफिट के बारे में कि किस तरह से बनाना है। क्योंकि अगर दूर की बहन भाई की शादी में तो हम लोग थोड़े बहुत एडजस्ट भी कर लेते हैं, पर ये तो मेरी खुद की घर की शादी थी तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा सा आउटफिट चाहिए था और बजट फ्रेंडली होना चाहिए था। सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्क्रैच आउटफिट बनाना है। लहंगे को बनाने से पहले मैंने मार्केट में भी काफ़ी सारे रेडीमेड लहंगों को देखा, पर मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। मतलब मुझे जिस टाइप का लहंगा चाहिए था मुझे उस टाइप का लहंगा मार्केट में नहीं मिला, और था भी तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। और मेरे बजट में जो लहंगा मुझे दिखा रहे थे वो लोग, वो मुझे पसंद नहीं आया, और जो मुझे पसंद आ रहा था वो मेरे बजट से काफ़ी ज़्यादा बाहर जा रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि स्क्रैच आउटफिट बनाना काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा इन सब झमेलों से हटके। सो एक चीज़ मैंने मेरे माइंड में पहले से डिसाइड कर रखी थी कि मुझे लहंगा वेलवेट का ही बनाना है। सो वेलवेट का लहंगा मैंने पिंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखे और ज़्यादातर मुझे सब्यसाची के डिज़ाइंस ही दिख रहे थे, और मुझे जो पसंद आया वो भी सब्यसाची का ही डिज़ाइन था। आई थिंक वो रिसेंट कलेक्शन है उनका और उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। मैंने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया था उसका पिक्चर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूँगी तो आप अच्छे से समझ जाओगे। सो स्क्रैच आउटफिट बनाने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पिक्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको आपका आउटफिट किस टाइप का चाहिए, किस तरह का बनाना चाहते हो, और उसके हिसाब से आपको फैब्रिक लेसेस वगैरह आपको परचेस करने होंगे। मेरा जो रेफरेंस पिक्चर था मेरे आउटफिट के लिए वो कुछ इस तरह का था, एंड यू गाइस कैन सी ये लहंगा कितना ज्यादा सुंदर है। मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया ये लहंगा, ये एक सब्यसाची का डिजाइन है। सो इस लहंगे को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो सबसे ज्यादा मेन चीज है जो कि इस लहंगे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है वो है इस लहंगे में नीचे लगा हुआ बहुत ज्यादा मोटा सा बॉर्डर। लहंगे का जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा हैवी है और ये बॉर्डर ही इस लहंगे को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। सो इस आउटफिट का कंप्लीट डिटेल मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड ऑलरेडी मैंने अपनी डायरी में ये सारी चीजें राइट डाउन कर रखी है ताकि मुझसे कोई भी चीजें छूट ना जाए। तो क्योंकि हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि हम लोगों को वेलवेट का फैब्रिक परचेस करना है और वेलवेट के फैब्रिक में भी थोड़ा बहुत डिजाइन होना चाहिए, सो हम लोग मार्केट गए। मार्केट में हम लोगों ने काफी जगह ढूंढा वेलवेट का फैब्रिक, हम लोगों को काफी सारे वेलवेट के ऑप्शंस भी मिले, मतलब प्लेन वेलवेट का फैब्रिक भी मिला और डिजाइन वाला वेलवेट का फैब्रिक भी मिला। मतलब कुछ फैब्रिक्स ऐसे थे जिसमें बहुत ही ज्यादा डिजाइन था और कुछ फैब्रिक ऐसे थे जिसमें बिल्कुल डिजाइन ही नहीं था। सो मुझे चाहिए था डिजाइन होना चाहिए पर इतना भी ज्यादा डिजाइन नहीं होना चाहिए। सो हम लोगों को वेलवेट के फैब्रिक को ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा। तो इस इमेज में आप लोगों को जिस तरह का वेलवेट का फैब्रिक दिख रहा है उस फैब्रिक को ढूंढने की मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे उस तरह का एग्जैक्ट उस तरह का फैब्रिक नहीं मिला।
पर मुझे एक वेलवेट का फैब्रिक दिखा जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे वो फैब्रिक, मतलब बहुत ही ज्यादा वो हैवी भी नहीं था और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं था, मतलब मुझे जिस तरह का चाहिए था वो फैब्रिक बिल्कुल उस तरह का था। फाइनली बहुत ही ज्यादा खोजबीन करने के बाद मुझे एक वेलवेट का फैब्रिक बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसीलिए फाइनली मैंने डिसाइड की मुझे अपना आउटफिट इस फैब्रिक से ही बनाना है और फाइनली मैंने उस फैब्रिक को परचेस कर लिया। सो अगर आप लोगों ने मेरे पहले स्क्रैच वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने सारे आउटफिट जो है मैं अपनी दीदी से सिलवाती हूँ, मतलब मैं कहीं बाहर टेलर के पास नहीं जाती देने के लिए, क्योंकि मेरी जो दी है वो स्टिचिंग वगैरह का काम अच्छे से जानती है तो मेरे सारे आउटफिट जो है वो स्टिच कर देती है। सो मैं अपने आउटफिट के लिए सबसे ज्यादा ट्रस्ट उसके ऊपर ही कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने उससे ही सिलवाया है और उसी ने मेरा ये कंप्लीट लहंगा मुझे रेडी करके दिया है। उसने मुझे काफी अच्छे से गाइड किया कि मुझे कौन सा फैब्रिक कितना खरीदना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीजों के बारे में। मुझे मेरे लहंगे में काफी अच्छा फ्लेयर चाहिए था, मतलब फ्लेयर के साथ मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने दीदी को पहले से बोल दिया था कि मुझे फ्लेयर के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो उसने अपने हिसाब से ही फैब्रिक वगैरह खरीदा और जिस फैब्रिक को हम लोगों ने खरीदा था, जो वेलवेट फैब्रिक हम लोगों ने खरीदा था, उसका विड्थ जो है वो काफी ज्यादा बड़ा था, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा वेलवेट फैब्रिक नहीं लेना पड़ा, हम लोगों ने हिसाब से ही सारी चीजें खरीदी थी। तो हम लोगों ने मेन वेलवेट फैब्रिक 4 मीटर खरीदा था और उसमें से ही मेरा लहंगा और ब्लाउज दोनों बना था, पर मीटर हम लोगों को 525 रुपीज मीटर मिला था और हम लोगों ने 4 मीटर खरीदा था, तो इस हिसाब से हम लोगों ने मेन वेलवेट फैब्रिक के लिए 2100 रुपीज पे किए थे। सो 4 मीटर फैब्रिक में से 3.5 मीटर फैब्रिक का मेरा लहंगा बनाया है और 1/2 मीटर फैब्रिक का मेरा ब्लाउज बना है। सो आप समझ सकते हो कि मेरे लहंगे में कितना ज्यादा फ्लेयर होने वाला है। लहंगे के अंदर लाइनिंग के लिए हम लोगों ने 2 तरह के फैब्रिक का यूज किया था, एक क्रेप फैब्रिक था और एक कॉटन फैब्रिक था। सो क्रेप फैब्रिक हम लोगों ने 4 मीटर लिया था जो कि 50 रुपीज पर मीटर था, और हम लोगों ने कॉटन फैब्रिक भी 4 मीटर लिया था, वो भी 50 रुपीज पर मीटर था। सो इन दोनों फैब्रिक में हम लोगों को 200 टोटल 400 रुपीज पे करना पड़ा था। लहंगे में लाइनिंग का कपड़ा देने का ये फायदा होता है कि फर्स्ट लहंगे का लुक अच्छा आता है, प्लस आप कंफर्टेबल रहते हो और उससे फ्लेयर भी अच्छा आता है। सो नेक्स्ट बारी आती है कैनकैन की, क्योंकि लहंगा विदाउट कैनकैन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब अगर आपको लहंगे में अच्छा फ्लेयर चाहिए तो आपको कैनकैन लगाना ही पड़ेगा, विदाउट कैनकैन लहंगे में अच्छा फ्लेयर वगैरह नहीं आता है, तो इसीलिए कैनकैन लगाना इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि कैनकैन को हम लोग फ्लेयर के लिए लगाते तो हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते, हम लोगों को उसको इस तरह से फोल्ड करके लगाना होता है। आई होप आप लोगों ने कभी कैनकैन देखा होगा लहंगे के अंदर लगा हुआ, तो आप समझ सकते हो कि कैनकैन किस टाइप से लगा होता है। सो इसीलिए आपको कैनकैन थोड़ा ज्यादा खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसको आपको पूरे फ्लेयर में लगाना होता है लहंगे के, तो इसीलिए। सो हम लोगों ने कैनकैन 5 मीटर खरीदा था और 5 मीटर कैनकैन को हम लोगों ने बीच से कट कर दिया था, मतलब वो काफी ज्यादा उसका विड्थ बड़ा होता है, तो इतना बड़ा तो आप नहीं लगा सकते, तो इसीलिए उसको बीच से कट करना पड़ता है। सो कट कर दोगे तो वो 5 मीटर का कैनकैन 10 मीटर का बन जाएगा और पूरे फ्लेयर में आप उसको इजीली लगा सकोगे, तो इसीलिए हम लोगों ने 5 मीटर कैनकैन लिया था। सो कैनकैन जो है वो 50 रुपीज पर मीटर था और हम लोगों ने 5 मीटर खरीदा था, तो ये हम लोगों को 250 रुपीज में मिला था। सो नेक्स्ट बारी आती है कैनवस की, और कैनवस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लहंगे में, क्योंकि कैनवस को लहंगे के बॉर्डर में लगाया जाता है और ये पूरे फ्लेयर में रहता है। सो इसीलिए हम लोगों ने कैनवस 10 मीटर लिया था, क्योंकि फ्लेयर ऑलमोस्ट 10 मीटर का था, तो इसीलिए 10 मीटर हम लोगों ने कैनवस लिया था और वो लगने के बाद काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लुक अच्छा आ रहा था लहंगे का। सो 10 मीटर कैनवस हम लोगों को 100 रुपए में मिला था। नेक्स्ट बारी आती है लेसिस की, और लेसिस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी आउटफिट में, और मेरे लहंगे में तो लेसिस का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था लेसिस का, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरा जो रेफरेंस पिक्चर था उस पिक्चर में आप देखोगे तो उस लहंगे का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर की वजह से ही वो लहंगा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। सो मुझे भी उस तरह का ही बॉर्डर चाहिए था। सो उस तरह का बॉर्डर 2 या 3 लेसिस को ज्वाइन करके ही बनने वाला था, तो हम लोगों ने लेसिस की खोज शुरू कर दी और हम लोग काफी सारे शॉप में गए, हम लोगों ने बहुत सारे लेसिस देखे, तो हम लोग काफी सारे शॉप में गए, काफी जगह हम लोगों ने लेसिस देखे, पर हम लोगों को उस तरह का लेस नहीं मिला, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था मैच करना, क्योंकि मेरा जो आउटफिट का कलर था वो टील ब्लू कलर या नेवी ब्लू कलर आप बोल सकते हो, उसमें गोल्डन कलर का लेस बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो जब भी हम लोग स्क्रैच आउटफिट बनाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि कौन सा कलर किस कलर को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, कौन सा कलर किसके साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरा जो ब्लू कलर का वेलवेट था उसमें हम लोग अगर गोल्डन कलर का लेस लगा देते तो वो बिल्कुल ही बकवास दिखता, बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखता। तो हम लोगों को शैंपेन कलर या सिल्वर टोन में लेसेस चाहिए थे, तो हम लोगों ने काफी ज्यादा ढूंढा और फाइनली एक जगह हम लोगों को लेसेस मिल गए। सो बॉर्डर बनाने के लिए हम लोगों ने 2 लेसेस का यूज किया था, और एक लेस जो था जो मेन लेस था वो थोड़ा ब्रॉड था और दूसरा वाला नॉर्मल लेसेस के साइज का था।
सो उन दोनों को अटैच करके हम लोगों ने एक बॉर्डर क्रिएट किया था लहंगे के नीचे, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। उन दोनों लेसेस को अटैच करने के बाद काफी थिक बॉर्डर मुझे मिल गया था मेरे लहंगे के लिए, जिस तरह का मुझे मेरे रेफरेंस पिक्चर में दिख रहा था, और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था लहंगे के साथ अटैच होने के बाद। सो वो मेरे पूरे फ्लेयर में था। मैं पहले ऐसा सोचती थी कि फैब्रिक वगैरह काफी ज्यादा कॉस्टली होते होंगे क्योंकि उससे हम लोगों का कम्प्लीट आउटफिट बनता है, तो इसीलिए। पर लेसेस वगैरह इतने ज्यादा कॉस्टली होते होंगे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और इस आउटफिट को बनाने के बाद ही मुझे पता चला कि लेसेस भी काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। सो इस आउटफिट को बनाने के लिए मैंने 1500 रुपीज सिर्फ लेसेस में इन्वेस्ट किए हैं, और लेसेस के हिसाब से 1500 रुपीज मेरे हिसाब से तो ज्यादा है, तो इसीलिए। सो हम लोगों को लेसेस का कलर चूज करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी क्योंकि हम लोगों को गोल्डन कलर नहीं चाहिए था, शैम्पेन कलर भी मैच नहीं हो रहा था, कुछ सिल्वर टोन में हम लोगों को लेस चाहिए था जो कि मेरे फैब्रिक के कलर से मैच करे, तो इसीलिए। सो काफी ज्यादा हम लोगों ने ढूंढा बट फाइनली हम लोगों को लेस मिल गया। सो हम लोगों ने दो तरह के लेसेस खरीदे थे, एक जो था वो थोड़ा ब्रॉड टाइप में था, जो मेन लेस था वो 100 रुपीज पर मीटर था, और उस लेस को हम लोगों को लहंगे के फुल फ्लेयर में लगाना था, और लहंगा का जो फ्लेयर था वो 10 मीटर के अराउंड था, तो हम लोगों ने 10 मीटर लेस लिया था। सो मेन लेस जो 100 रुपीज मीटर था वो हम लोगों को 1000 रुपीज में मिला। एंड एक और लेस हम लोगों ने परचेस किया था जिसको हम लोगों ने मेन लेस के साथ अटैच करके फुल बॉर्डर बनाया था, तो वो दूसरा वाला जो लेस था वो 50 रुपीज पर मीटर था, तो उसको भी हम लोगों ने 10 मीटर खरीदा था, सो वो हम लोगों को 500 रुपीज में मिला था। सो फाइनली मुझे जिस तरह के लेसेस चाहिए था बॉर्डर बनाने के लिए, उस तरह के लेसेस मुझे मिल गए। मैं काफी ज्यादा टेंशन में आ गई थी कि उस तरह का लेस नहीं मिलेगा तो लुक अच्छा नहीं आएगा, बट फाइनली उस तरह का लेस मिल गया। पर मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई थी लेसेस को खोजने में। सो गाइस, ये लहंगा का मेन वेलवेट फैब्रिक है एंड यहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर अटैच किया है। सो ये लहंगा इतना ज्यादा भारी है कि मैं आप लोगों को प्रॉपरली दिखा भी नहीं सकती इसको। सो जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरह का बना था एंड इसके वजह से ये लहंगा जो है काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड इसमें दो लेसेस अटैच है, ये वाला जो है ये एक ब्रॉड लेस है, और ये ऊपर हम लोगों ने एक पतला सा लेस हम लोगों ने अटैच किया था, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरह का फैब्रिक अटैच किया था। ये क्रैप फैब्रिक है, इसको क्रैप फैब्रिक बोलते हैं। सो क्रैप फैब्रिक के बाद हम लोगों ने ये कैनकेन अटैच किया है, आप देख सकते हो। एंड कैनकेन के बाद ये एक कॉटन फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक की भी लाइनिंग हम लोगों ने लगाई थी। सो मेरा लहंगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है मेरे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, और लहंगे में जिस जिस फैब्रिक का यूज हुआ था, जिस तरह के लेसेस का यूज हुआ था, मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों को दे दी है। सो नेक्स्ट बारी आती है ब्लाउज की। सो लहंगा का जो मेन वेलवेट फैब्रिक था उसमें से ही हाफ मीटर फैब्रिक का हम लोगों ने ब्लाउज बनाया था। ब्लाउज में हम लोगों ने कॉटन की लाइनिंग दी थी जो कि 50 रुपीज पर मीटर थी। हम लोगों ने एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक खरीदा नहीं, लहंगे के टाइम पर जो हम लोगों ने फैब्रिक खरीदा उस फैब्रिक से ही हम लोगों ने ब्लाउज बनाया है। एंड जैसे कि आप रेफरेंस पिक्चर में देख रहे हो कि ब्लाउज का जो स्लीव है वो उसका लेंथ जो है वो इतना है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, रेफरेंस पिक्चर में देख सकते हो। लहंगे में जो बॉर्डर लगा है वो बॉर्डर ही ब्लाउज के स्लीव में लगाया गया है। सो मैंने भी लहंगे में जो बॉर्डर लगाया था उस बॉर्डर को ही मैंने ब्लाउज के स्लीव में लगाया था, और वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। सो लहंगा मैंने एग्जैक्टली इस तरह का बनाने का सोचा था, पर मैंने ब्लाउज इस तरह का बनाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा क्योंकि इसका जो नेक डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और मुझे इस तरह का नेक डिज़ाइन पसंद नहीं है ऑनेस्टली, और मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ इतना ज़्यादा डीप नेक पहनने में। सो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि ब्लाउज का जो नेक डिज़ाइन है वो मैं अपने हिसाब से ही बनाऊंगी। सो इसीलिए मैंने ब्लाउज का नेक डिज़ाइन जो है वो अपने हिसाब से बनाया है, इस तरह का नहीं बनाया है। सो ब्लाउज बन चुका है, लहंगा बन चुका है। सो आउटफिट को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को दुपट्टा भी बनाना होगा, तो इसीलिए। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि मॉडल ने नेट का दुपट्टा लिया है, पर मुझे नेट का दुपट्टा नहीं चाहिए था, मैंने कुछ अलग तरह का दुपट्टा बनाने का सोचा था, और आजकल किरण लेस वाला दुपट्टा काफी ज्यादा चल रहा था। मैंने काफी सारे सेलिब्रिटीज को उस तरह का दुपट्टा लेते हुए देखा, उस तरह की साड़ी भी मिलती है। मुझे उस तरह का ही दुपट्टा चाहिए था। आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहे तो मैं यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी, तब आप लोग अच्छे से समझ सकोगे कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। इस तरह का दुपट्टा जो है वो ऑर्गेंजा फैब्रिक में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोगों ने ऑर्गेंजा फैब्रिक ढूंढा। और ऑर्गेंजा फैब्रिक हम लोगों को मिल भी गया। मैंने एग्जैक्टली उसी कलर का दुपट्टा नहीं लिया जिस कलर का मेरा लहंगा था। मेरा लहंगा काफी ज्यादा डार्क कलर का था, डार्क ब्लू कलर का था। इसीलिए मैंने लाइट कलर का, लाइट स्काई ब्लू कलर का मैंने ऑर्गेंजा फैब्रिक खरीदा था दुपट्टे के लिए, और वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था साथ में कलर। ये कॉन्ट्रास्ट वाला आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मेरे लहंगे के साथ। ऑर्गेंजा फैब्रिक हम लोगों ने 2 मीटर खरीदा था और पर मीटर 150 रुपीज का था, तो हम लोगों को 2 मीटर 300 रुपीज में मिला था। इसमें भी इम्पोर्टेंट था लेसेस का, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्गेंजा फैब्रिक अगर हम लोग दुपट्टे की तरह ले लेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह का किरण लेस वाला दुपट्टा बनाने के लिए हम लोगों को किरण लेस लगाना भी पड़ेगा।
सो हम लोगों ने ढूंढा और हम लोगों को किरण लेस इजिली मिल गया मार्केट में, सारे काफी अलग अलग वैरायटी की किरण लेस अवेलेबल है। सो दुपट्टे में हम लोगों को 6 मीटर का लेस लेना पड़ा था। सो हम लोगों ने 6 मीटर किरण लेस खरीदा था क्योंकि दुपट्टे के चारों तरफ हम लोगों को उस लेस को लगाना था, तो इसीलिए हम लोगों ने 6 मीटर खरीदा था। किरण लेस जो था वो 50 रुपीज पर मीटर था और हम लोगों ने 6 मीटर लिया था तो वो हम लोगों को 300 रुपीज में मिला था। सो किरण लेस को जब हम लोगों ने डायरेक्टली फैब्रिक पर लगाया तो वो थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो उस अधूरेपन को कम्प्लीट करने के लिए हम लोगों ने एक और लेस अटैच किया था किरण लेस के साथ। सो उस लेस को भी हम लोगों ने 6 मीटर खरीदा था और वो लेस 30 रुपीज पर मीटर था तो हम लोगों को 180 रुपीज में मिला था। हम लोगों ने फैब्रिक वगैरह खरीदा, लेसेस खरीदे एंड इसके बाद ये चीजें खरीदने के बाद हम लोगों ने स्टिचिंग का काम स्टार्ट किया था और दो दिन के अंदर उसने मेरा लहंगा रेडी कर दिया और लहंगा उसने बहुत ज्यादा सुंदर बनाया था, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत अच्छा लहंगा बनाया था उसने। सो वो लहंगा मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर कंप्लीट लुक आप लोगों को ट्राई ऑन में दिख जाएगा तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि वो लहंगा एग्जैक्टली कैसा दिख रहा था। अच्छा रिस्पांस दिया था एंड आई होप आप लोग इस वीडियो में भी काफी अच्छा रिस्पांस करोगे। सो आई होप आप लोगों को इस आउटफिट का कंप्लीट लुक और ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए इन केस कभी आप इस तरह का लहंगा बनवाते हो तो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू डिडंट डू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। सो आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लव योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स आल्सो। थैंक यू सो मच, बाय-बाय।